देखिए हदीस में इसका आंसर मिलता है हमको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से कुछ दिन पहले ये फरमाया था कि तरक्तु फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज छोड़ रहा हूँ, जब तक तुम पकड़े रहोगे तुम गुमराह रहोगे। वो क्या है? किताबुल्लाह व सुन्नती, खुदा की किताब और पैगंबर की सुन्नत। तो बिल्कुल सादा बात है कि अगर कोई भी मामले में आप जानना चाहते हो तो आप कुरान को देखिए और रसूलुल्लाह की सुन्नत को देखिए, और इसमें आप सहाबा को मिला सकते हैं। तो कुरान को देखिए, रसूलुल्लाह की सुन्नत और सहाबा का जो अमल है उसको देखिए। यही है हमारे यहाँ मॉडल, इसी पर जांचिए आप। गलती यहाँ होती है कि हम अपने माइंड से एक सोच बनाते हैं, एक क्राइटेरिया बनाते हैं, उस पर चल पड़ते हैं। ये नहीं सोचने की कोशिश करते कि ये जो हम ले रहे हैं स्टेप, ये कुरान के मुताबिक है या नहीं मुताबिक है। जैसे कि मैंने कहा कि डिबेट लीजिए आप, अब डिबेट में ये क्राइटेरिया कि लोग तालियां बजाएं तो बड़ा अच्छा है, वो लोग खुश हो सुनकर के बड़ा अच्छा है, ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरियन तो ये है कि रसूलुल्लाह के जमाने में 20 स्पीचेस होती थी तो क्या वहाँ तालियां बजती थी, क्या वहाँ सुन सुन लोग खुश होते थे, खूब मगन होते थे, लोगों के अंदर जो प्राइड का छुपा हुआ एहसास उसको नहीं मिलता था, फूड मिलता था उसको, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर आप देखेंगे, जब पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पर क्या था, रसूलुल्लाह की स्पीच सुनकर लोग चुप हो जाते थे, यानी इंट्रोस्पेक्शन में चले जाते थे वो। तो मैं समझता हूँ कि जो क्राइटेरियन है वो ये है कि स्पीच इस्लामी स्पीच है तो सुन करके लोग इंट्रोस्पेक्शन में चले जाएं, सोचने लगे। और जहाँ तालियां बजे तो वो तो गुमराही है वो, क्योंकि रसूलुल्लाह के मियार से हटा हुआ है, जो रसूलुल्लाह का मियार है उससे हटा हुआ है। ये हर मामले में है, चाहे वो अकीदा हो, इबादत हो, अखलाक हो, जलसा जुलूस हो, कोई भी चीज़ हो,